नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल विश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो फ्रांस है। फ्रांस ने 1954 ईस्वी में जीएसटी को अपने देश में लागू किया था। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में। तो भारत में जीएसटी को पारित करने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया वो 122वां संशोधन था। 122वें संशोधन के अंतर्गत ही जीएसटी को भारत में पारित किया गया। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो असम है। असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी को पारित किया। उसके बाद जो दूसरा राज्य था वो है बिहार, जिसने 16 अगस्त 2016 को जीएसटी को पारित किया। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, जो कि एक डुअल जीएसटी मॉडल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कर सम्मिलित होता है। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह पहले 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था, परंतु इसकी समय अवधि को बढ़ाते हुए इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे वो असीम दस गुप्ता जी थे। जीएसटी बिल राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया गया। जीएसटी के विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो जीएसटी के विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जीएसटी बिल में राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो जीएसटी बिल में राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर 2016 को मिली। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 अंक हैं। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? जीएसटी की दरें 5 प्रकार की हैं: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया? लगभग 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2000 ईस्वी में लाया गया था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाया गया था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो अरुण जेटली जी हैं। जीएसटी बिल का सबसे पहले कहाँ पारित किया गया? जीएसटी बिल को सबसे पहले तेलंगाना में पारित किया गया। भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी पारित नहीं किया गया वह राज्य है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य जहां पे जीएसटी को पारित नहीं किया गया। जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में पारित हुआ था। इसी दिन हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास है? जीएसटी की चोरी करते हुए पकड़े जाने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किए गए हैं? जीएसटी पोर्टल। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की दो आईटी कंपनी कौन सी हैं? जो जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की जो दो आईटी कंपनियां हैं वो इंफोसिस और विप्रो हैं।